तो करते हैं एक बार ले बाबू देख कितना अच्छा है छोटा तो अच्छा प्यारा सा उठा ले एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल निकीस फैमिली ब्लॉग्स। तो अभी बच चुके हैं 10:30 और फिलहाल शादी के बाद ये है कि हमारा सिर्फ कपड़े धोने में ही टाइम जा रहा है सुबह का, इसलिए हम जो है सारे बड़े बिजी है। वेल अभी ऐसा है कि कल ना मुझे बहुत ज्यादा इशू आया अपना वीडियो को एडिटिंग करने में, मेरा ऐप काम नहीं कर रहा था, आई डोंट नो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से हेल्प ली, तो थैंक्स टू हिम कि जाके वीडियो एडिटिंग हुई और फाइनली अपलोड हो पाया। तो ऐसा है और अभी आज अगेन दाल बाटी बना हुआ है, मनदीप खा रहा है खाना दाल बाटी और अब मैं भी खाऊंगी खाना, मुझे भी लग रही है बड़ी भूख। तूने खाना खा लिया? नहीं मेरा खाना है। किसके घर पे? ओह मम्मी आए हैं तोतो का हालचाल जानने के लिए। कहाँ बैठ गया? अरे वहाँ ऊपर चला गया। तोतो कम तोतो तोतो तुमने वैष्णवी को भेजा है उसको लेने के लिए क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं, तो भी उसको कुछ खिलाएंगे। आराम से लेके आना, आ जाओ तो गर्दन पास ज्यादा कड़क मत पकड़, हाँ बीच में पकड़ ले, आराम से उतरना। ले बाबू ले ले उसको उठा ले एक बार देखो वो गिर गया एक पास है मुझे देख कितना अच्छा देख तो अच्छा प्यारा सा उठा ले तो आजा तो अरे दे तू शेर बन गया देख अरे नहीं 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 मत पकड़ मत कर बिक्की अरे डरेगा वो ऐसे में मेरे लिए आया भाग गया उधर तो सीटी पसंद करता है बजा मुंह से साउंड नहीं निकालना सीटी बजानी है देख ऐसे देख पिंकी दीदी बजा रही ओहो ऐसे बजा तुझसे नहीं बजती है ऐसे कर ऐसे इधर इधर मैं सिखाऊं तेरे को इधर नहीं दो कहाँ से मेरा घर से चल क्या लिया तेरे घर से एक किलो प्याज पता नहीं क्या क्या बोलता है किसने बोला आप हमारी दादी ने वो बोला तू शुरू से बता क्या बोला तेरे घर से कि आपके घर से अरे इसके घर से बोला था तेरे घर से लिया अच्छा अच्छा चल रहे आप इसके बाय बाय बाबू बाय कर बाय बाय हाँ बाय बाय बाबू निमंत्रण दे नहींगा बाबू निमंत्रण ले लेगा पर निमंत्रण देगा नहीं अरे यार वो कपड़ा नीचे भी जरा फटक गया ऊपर। तो अभी हो चुका है हमारा खाना बाटी प्लस मूंग की दाल और इधर बैठी हुई है वैष्णवी हमेशा अपना मुंह क्यों छुपाती है काजू सो रही है इसको सोने दे रहे हैं हम क्यों नहीं सोने दे रहा है सोने अब सुकून की नींद ले रही है रिजल्ट 91% है ना कुछ खिलाया भी नहीं आया गलत बात है काजू हाँ पार्टी तो देनी बनती है 91.6% आया पर कुछ खिलाया नहीं हमको और माचे भी अकेले अकेले पी उन्होंने और मुझे पिलाई नहीं माता कब पीसने अकेले सुबह क्यों नहीं पिलाई कल की लड़ाई कम थी जो आज बाकी रह गई है ले हो गया हम लोग ऐसे ही लड़ते हैं मैं मारू और मार के सही में भी मामा को मार हाँ, दिया मारा छोटी सी तो मामा छोटी सी भांजी मेरा फोन है इसका फोन घूम चुका है अभी कहाँ घुमा उनकी जेब में तेरी जेब में घुमा ये किसका मोबाइल ला दे दे किसी का नहीं है तो मुझे दे दे अरे चीज़ी की देना प्लीज मुझे चिक्की 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 इज़ माय फेवरेट देख तू इतनी सी मीठी बहुत हो मेरे को चलेगी वैसा लगा चल के इसको मत देखो
प्रसाद प्रसाद ही है वो तो। ये फ्रेश गम डुप्लीकेट है। आज फिर पलटन का जमावड़ा लग गया है। ए प्लीज आज मत शोर करना यार। हाँ नहीं तो पहले लॉक लगा रखा था इसने और अभी जस्ट ना नहीं अभी जस्ट हम है ना इसको मजाक कर रहे थे फोन के बारे में आदि के फोन के बारे में पर इसका मंदिर का फोन रियली घूम चुका है। लॉक भी लगा रखा था और पहले लॉक लगा रखा था मंदिर तो लॉक तो लगा रखना चाहिए। हाँ मंदीप ढाबे से खेत गया था इस बीच में उसका मोबाइल गुम हो चुका है और अभी तक नहीं मिला है। स्विच ऑफ हो चुका है ना अभी तो। लेट्स सी मिलता है या नहीं। अब तो कोई चांस ही नहीं है मंदीप। हाँ ना तो लॉक लगा रखा है। आदि का हॉटस्पॉट चालू हुआ कि अंशुमन का इधर टिकटॉक चालू हो गया। आदि ट्राइंग टू फाइंड मंदीप मोबाइल। मिला मंदीप कर क्या रहा है तू भाई कॉल मम्मा का नया फोन आया था ना अभी ये जो नया फोन है उसके दूसरे दिन पासवर्ड डाल दिया था मंदिर में। पागल है ना इन्होंने कुछ भी नहीं डाला दो तालियां। वो तो गया था तुम्हारा मोबाइल दूसरे मिल गया आपको मिला भैया। चलो अच्छी बात है भैया को मोबाइल मिल गया भैया लौटाने आ गए। वो तो क्या मेरा नंबर दे मेरे पास है पापा के नंबर से मैंने पापी मिनट में मना बोल दिया यार वो परेशान होगा धूप में जाके देखे मना किसने बोल दिया था पापा। अच्छा पापा ने बोला ने फोन लाया मेरे पास ये नंबर फोन नंबर क्या मोबाइल गिरा हुआ है तो बोले यार अपना बालक का है तो बोले अभी उसको देना हो तो उसको भटकाते हैं अपन बोले से एक बार पूछ गया नहीं मिला मेरे को ये यार मेरे परेशान नहीं वो परेशान तो क्या उसे तीन राउंड लगा लिए थे खेत से वहाँ तक ये ना क्या मालूम खाना टेंशन कर घूम लिया मिले ही नहीं गई रास्ते घूम लिया। चलो चलो बधाई है मंदीप आपको मोबाइल मिल गया आपका। फाइनली जो है मंदीप का मोबाइल मिल गया है जो भैया आपने अभी क्लिप पे देखा है भैया को वो भैया हमारे घर पे मतलब उन्होंने टेंट वगैरह लगा के गए थे सो पहचानते थे तो वो पापा को दे करके चले गए थे बट पापा ने सोचा कि मंदीप को थोड़ा सा परेशान होने देते हैं इसलिए उन्होंने उनको मना कर दिया था बट फिर भी उन्होंने सोचा कि कहाँ गर्मी में परेशान होगा तो वो लौटा के चले गए हैं। खुश मंदीप बहुत ज्यादा खुश। ये सबसे बड़ी हरामखोर इसको पता था पापा ने बता दिया कि मोबाइल मिल चुका है बट इसने आके बोला नहीं आज मम्मा ने घबरा दिए थे मोबाइल मिल गया। हाँ पानी निकले पानी पिलाएं पिलाएं पानी पिलाएं पिलाएं वही 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 इसीलिए पता है मना किया बोलना। हाँ और इसीलिए मम्मी भी आए ना तो मम्मी भी मस्त टेंशन फ्री होके बार बार मम्मी मंदीप से पूछ रहे हैं कि उनको गाय को पानी पिला दिया पर उनको टेंशन नहीं हो रहा है कि मंदीप का मोबाइल घूम चुका है। एक्चुअली वो जानते थे क्योंकि पापा ने ऑलरेडी बता दिया था उसको उसको मालूम है कि उसका भाई शैतान है तो चश्मा तोड़ लिया पापा का फोन आराम उठाए मतलब उन्हें मिला ही नहीं मोबाइल उठा उठा करना बात कर। अरे यार हाँ पापा मंदीप ये बैठा है। हाँ वो मोबाइल परेशान हो रहा था फिर वो भैया देके चले गए। बड़े पापा कुछ नहीं पापा पूछ रहे कि उनको पानी पिलाए कि नहीं गाय भैंस को। हाँ हाँ पिला दिया पापा क्यों वहाँ जानवर तो नहीं थे मुंह में नहीं नहीं थे पापा। क्या हो रहा है चश्मा तोड़ दिया मजा आ गया अच्छों को मजा आ गया। सही बात है उसकी उंगली चिपक गई चश्मे के साथ मजाक दिया आदि को दिखना बंद हो जाएगा वरना ये मेरी उंगली है दिख रही ना उंगली तो दिख रही तुझे निकाल उसको दिख मेरे फील हो रहा है अच्छा फील हो रहा है ले तू ये मैं दबा रहा हूँ डालना धूल क्यों लेके आया तो ये चश्मे में धूल क्यों डालना भैया मजबूती के लिए क्योंकि घर की जुड़ाई कर रहे हो ऐसा मैडम लेके आई है धूल बची हुई सुन अब नहीं बची हुई वापस बाहर डालना क्या करती है चिल्लर पार्टी दूर लेके आ गए अब चश्मे को ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों अभी बज चुके हैं 4:30 और मम्मी के पास कॉल आया था बाबू के घर से कि हम सबको भेज दिया जाए सत्तू खाने के लिए। एक्चुअली जो है मैं सो रही थी तो मम्मी ने उठाया और अभी मैं बाबू के घर पे जा रही हूँ। यू नो आई थिंक सत्तू की क्या होता है
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनको सेक करके फिर पीस करके जो मिक्सचर होता है उसी को सत्तू कहा जाता है। और गर्मी में बहुत अच्छा होता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब अब तो ये है कि सत्तू मतलब कि सुबह सुबह नाश्ते में मुझे वही खाना होता है। सो मैं बाबू के घर इसीलिए आई हूँ। और बाप रे सत्तू के लिए यहाँ इतनी भीड़ लगी है। तो अभी मैं और अवनी दोनों जा रहे हैं घर पे सत्तू पी करके, है ना। मैं तो रश्मि और सत्तू दोनों पी। और गाइस आज मुझसे ना बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। मतलब आज पिंकी का बर्थडे है, 30 अप्रैल है, और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा ये सारा सब कुछ। अभी घर में इतना शोर शराबा शादी ये सारे, तो डेट्स का कुछ याद ही नहीं रहा। तो अभी जाके उसको विश करना है। हैप्पी बर्थडे पिंकी जी, जी हैप्पी बर्थडे। सुबह से आती है, शाम को बोल रहा हूं। तब क्या करें हम, स्टेटस नहीं डालती तो आज तो बर्थडे। लिटरली यार ये शादी वादी के डेट्स में कुछ समझ नहीं आया। तू तेरे बर्थडे आके खुद ही बना लेती। अब वो बेचारी अवनी के बर्थडे पे लेके आया। अभी गर्मी का टाइम है, क्यों अवनी खराब निकल गया था। पता चला तेरा भी केक खराब निकल जाए। मंदीप को बोला फ्रेश केक लेके आए। पता चले नहीं तो पिंकी का भी केक जो बेचारी का पूरा ना खराब निकले, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है ना इस सीजन में। क्या ही बताओ, पार्टी आज स्पेशल बर्थडे पार्टी बनेगी। मत कर रहे दुबली इंसान बिचारी। बर्थडे बर्थडे बन रहा है, पैर चल रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू। कछुए का पानी डाल दिया पिंकी को, कछुए का पानी। ये पानी था तब का, नहीं यही पानी था। अब डर रहा है, वो डर रहा है, देख पिंकी अब डर रहा है। बर्थडे बहुत मस्त बना आपका। हाय मत कर, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, देख ना सुपर आ गई। पिंकी का एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो चुका है, अब दूसरे का हम इंतजार कर रहे हैं। दूसरे का शाम को होगा। मैं जो अभी छत पे ढूंढते हुए सबको आई हूँ, और ये मैडम सबके सब यहाँ पे है। वैष्णवी रिंकी, हाँ क्या बोल रही है भाई। बस ये होटो पे बहुत, अब हो गई शादी, शादी हो गई, बस करो, बस बस कर, बस कर। ऊपर आके मस्त लग रहा है, यहाँ जब सबसे ऊपर आते ना इधर छत पे तो हवा चलती है तो इधर मस्त लगता है। काजू का कहना दिन भर की गर्मी खा के ऊपर आ जाओ। लड़की तुझे शर्म नहीं आई, मतलब 3 बॉटल फ्रूटी इधर अकेले ने पी के मजा। नहीं मैंने अकेले नहीं, आदित्य ने, लाला मंडी ने, लाला दादू और पर फिर भी हाँ मतलब क्यों? तो क्यों पैसे मिला और करो बस। और उसमें विक्की भैया थे, हम चारों ने बस, यहाँ हम लोग यही सोते थे। और एक इधर भी बैठी है, देखना इधर कभी सोने में आधी भरी हुई थी। हाँ देखा मैंने, मैं सुबह जब उधर पेड़ पौधों में पाई डालने गई थी ना तो यहाँ आधी भरी हुई रखी थी। आधी तो नहीं, हाँ थोड़ी सी, इसको आधी तो बिल्कुल नहीं बोलते। सो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 8:30 और लाइट है ही नहीं, और मैं जो है गुड नाइट जो है शूट कर रही हूँ, मेरे ऊपर ये फ्लैश लाइट है थोड़ी थोड़ी, तो उसी में मैं आपको गुड नाइट विश कर रही हूँ। अभी पिंकी का जो है बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं हुआ है, लेट्स सी होता है या नहीं होता है, वो आपको कल के ब्लॉग में पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में अगेन नई चीजों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।